2023 में रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 बटालियन ब्लैक का नया मॉडल यानी कि नई अपडेट आने के बाद में लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा नापसंद किया, जिसके बाद में रॉयल इनफील्ड ने अब आकर के 2024 में यहां पर जिस तरीके से पहले बुलेट का वेरिएंट आता था 350 cc में, ये जो कलर है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था, तो इसमें नई अपडेट आने के बाद में लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे। लेकिन अब फाइनली रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पर इसकी अपडेट को पहले जैसा कर दिया है, यानी कि जिस तरीके से 2023 में आता था उससे पहले आता था उसी तरीके का अब इस वेरिएंट को बना दिया गया है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो कि पहले के मुकाबले अब भी नहीं चेंज किए गए हैं, लेकिन उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बाइक की जो ओवरऑल लुकिंग आप एक बार देखेंगे वो बिल्कुल पहले की तरह ही यहाँ पर हो चुकी है। तो यही रीज़न है आज हमारा गाज़ियाबाद रॉयल इनफील्ड पर आने का, क्योंकि हमें इस बाइक को विज़िट करना था, देखना था जो इसमें चेंज पहले आते थे वो इसमें वापस ला दिए गए हैं या फिर नहीं लाए गए हैं, जैसे कि ये पहले आती थी उसी तरीके की अभी से बना दिया गया है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में फुल्ली एक्सप्लोर करने वाले हैं हम रॉयल इनफील्ड 350 स्टैंडर्ड के बटालियन ब्लैक कलर को। इसकी प्राइस अभी एग्जैक्ट क्या पड़ रही है एक्स शोरूम ऑन रोड गाज़ियाबाद के अंदर, सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो कुछ भी मिस ना हो इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं की के साथ में। इस तरीके की देखने के लिए मिलेगी, वेव की यहाँ पर है और रॉयल इनफील्ड की बैचिंग भी यहाँ पर लोगों आपको देखने के लिए मिल जाता है, दोनों सेम ही की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब की को प्लेस कर देते हैं उसकी जगह पर। सबसे पहले देख लीजिए इसके मीटर को भी, इस तरीके का मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर तो एनालॉग दिया गया है। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का प्यारा सा शानदार सा बुलेट 350 का आपको लोगो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मिलता है इसका लॉक, इस तरीके से कर देंगे ऑन और यहाँ पर देखेंगे एक छोटी सी MID अब आ चुकी है जो कि हमें फ्यूल इंडिकेटर दे देती है कितना फ्यूल अभी टैंक में है। मोड यहाँ पर ईको अभी आ चुका है जिसे आप स्विच नहीं कर सकते, ईको पर ही रहती है। अगर आप थ्रोटल ज़्यादा तेज़ करते हैं एकदम इनिशियली अचानक से करते हैं तो क्विक थ्रोटल, तो वहाँ पर ये मोड अपने आप स्विच हो जाता है। बाकी यहाँ पर इसे स्विच करने के लिए कंट्रोल दिए गए हैं हमें इसके हैंडल बार पर, जो कि यहाँ पर एक स्विच आपको देखने के लिए मिलेगा और इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या कुछ मिल रहा है, ये आ गया टाइम यानी कि क्लॉक दी गई है, ओडोमीटर है ट्रिप 1 ट्रिप 2 और ट्रिप F यानी कि ट्रिप मीटर ओडोमीटर और क्लॉक की प्लेसमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बाकी एक और चीज़ जो पहले बुलेट में आती थी और अभी अच्छा है कि उसे चेंज कर दिया गया, पहले क्या है लॉक करने के लिए यहाँ उसका दिया जाता था लॉक, लेकिन अभी क्या है कि आप यहीं से सिंपली आप इसे लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आ जाइए, पायलट लैम्प ऊपर की तरफ हेलोजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इसके यहाँ पर देखेंगे इसके हेडलैम्प्स पर, तो यहाँ पर क्रोम फिनिश है, LED हेडलैम्प्स आपको अभी भी नहीं मिलते हैं, हेलोजन में ही आपको ये देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, 35mm के टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। फ्रंट में 280 का डिस्क ब्रेक है, बाइब्री का यहाँ पर डिस्क कैलिपर इस्तेमाल किया गया है। बात करें टायर साइज़ की, फ्रंट में 190 का टायर साइज़ है, 18 inches के आपको एलॉय नहीं मिलते हैं, इस तरीके के आपको तिल्ली वाले रिम यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है और यही कारगर भी है, क्योंकि अगर आप इस व्हीकल से ऑफ रोडिंग करते हैं ना तो यही कारगर होते हैं, एलॉय वहाँ पर काम नहीं करते हैं, तो यही मजबूती के लिए दिए जाते हैं। हालांकि लोग इन्हें चेंज करा के एलॉय डला लेते हैं, लेकिन ये जितनी मजबूती और आपको एक ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ देते हैं वो आपको एलॉय प्रोवाइड नहीं करा सकते। बाकी यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट, ब्लैक कलर में आपको मडगार्ड मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा चेंज जो कि 2023 के बाद से आया था, वो यही है कि यहाँ पर ड्यूल चेसिस फ्रेम अब यहाँ पर आ गया है, सिंगल हॉर्न की प्लेसमेंट, अभी हॉर्न की आवाज़ भी सुना दूंगा। बात कर रहे थे चेसिस के बारे में, तो चेसिस यहाँ पर ड्यूल फ्रेम अब हो चुकी है, पहले क्या थी ये आपको सिंगल फ्रेम मिलती थी, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे रॉड टाइप इसका फ्रेम मिलता था, जिसकी वजह से क्या है कि इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन मिलती थी, लेकिन अब क्या ड्यूल फ्रेम आ गया तो इसमें आपका वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और इंजन भी यहाँ पर चेंज हो गया, जे सीरीज का इंजन है, तो यहाँ पर इस इंजन में वाइब्रेशन पहले ही बहुत कम है, उसके बाद में ड्यूल चेसिस फ्रेम आ गया है तो यहाँ पर वाइब्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म अभी इस बाइक से हो चुकी है। जो पहले होता था ना कि स्टार्ट करने पर इसके साइड मिरर्स हिल रहे हैं, बिल्कुल साइड मिरर्स में देख ही नहीं पा रहे, वो सब चीज़ें अब इस बाइक के अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी पूरी तरीके से यहाँ पर मेटल में आपको इस तरीके से स्टेनलेस स्टील में यहाँ पर आपको पूरा इंजन मिलेगा, रॉयल इनफील्ड की बैचिंग, यहाँ थोड़ी सी मेट फिनिश है, इस तरीके से एग्जॉस्ट पाइप जिस तरीके से आती है पहले से ही वो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर रहने वाली है। बाकी इसमें मिल गया रहा चेंज, ये पैडल्स ब्लैक कलर में अब यहाँ पर हो चुके हैं, पहले आपको मेटल में मिलते थे, रबड़ आ गई है अब उसमें ऊपर, रॉयल इनफील्ड की बैचिंग के साथ में फुटरेस्ट हैं फ्रंट के लिए, रियर के लिए बड़े साइज़ का एग्जॉस्ट यहाँ पर मिलता है, बुलेट 350 की यहाँ पर बैचिंग आपको मिल जाती है बड़ी प्यारी सी, जो कि कहीं ना कहीं बुलेट की जान है और यही कलर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसका रीज़न यही है। ये जो फिनिश है ना, ये फिनिश और टैंक पे ये लाइंस, ये E20 की बैचिंग भी देख लीजिए, 20% इथेनॉल पर भी आप इसे रन कर सकते हैं,
बाकी ये देखने ना, और लोगों में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्यारा यहाँ पर ये लोगो इसका लग रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ किंग वाला वो आ गया ताज पूरा ऊपर, रॉयल इनफील्ड ब्लैक में येलो एलिमेंट क्रोम का इस्तेमाल, बहुत ही कमाल की लुकिंग यहाँ पर बाइक प्रोवाइड कर रही है। 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक के साथ में हमें मिलती है। माइलेज की बात आगे करेंगे, उसमें भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है क्योंकि माइलेज पहले से बढ़ गया, कितना बढ़ा है वो आगे देखेंगे। बाकी हैंडल बार सिंगल यहाँ पर हैंडल बार रहने वाली है। इधर कंट्रोल्स भी एक बार देख लेते हैं, लीवर देखेंगे एल्युमिनियम इस तरीके की फिनिश में मिलते हैं। कोई भी आपको दोनों में से यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं मिलता, एज इट इज़ ये रहने वाले हैं। ब्लैक कलर में आपको मिलेंगे इसके साइड मिरर्स जो कि पहले क्रोम में आते थे, लेकिन इस वाले वेरिएंट में ये ब्लैक मिल रहे हैं। अब प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम इस वाले वेरिएंट की हो चुके हैं पहले के मुकाबले, पहले बहुत ज़्यादा इसके प्राइस थे, अभी काफ़ी ज़्यादा कम वो हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर सेल्फ और इग्निशन को ऑन करने के लिए दोनों के लिए स्विच आपको यहीं पर मिल जाता है। इस साइड में है पास और लो बीम हाई बीम इंडिकेटर, ये है जी हॉर्न, इस तरीके का हॉर्न मिलता है। 800 mm की यहाँ पर सीट हाइट रहने वाली है बाइक की, और सीट में भी चेंज किया गया है, वो क्या है यहाँ पर देख लीजिए। पहले यहाँ पर गोल टाइप की सीट मिल रही थी जिसने जैसे कि वो खड़ी क्लासिक में आपको देखने के लिए मिलती है ऐसी वाली, लेकिन अब क्या है कि अब ये वाली सीट आ गई है जो कि पहले से स्टैंडर्ड में आती ही थी। इसके अलावा टेल लाइट देखिए, ये पहले की तरह यहाँ पर कर दी गई है, जैसे पहले आती थी वो पुरानी ट्रेडिशनल वाली, यहाँ पर विंटेज लुक में ये टेल लाइट आ गई है। हालांकि ये टेल लाइट टूटती जल्दी है, वो वाली जल्दी नहीं टूटती है, लेकिन ये वाली टूटती बहुत है, लेकिन फिर भी लोगों को यही पसंद है तो कंपनी ने यही दे दी। हैलोजन इंडिकेटर नंबर प्लेट अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, ब्लैक नंबर प्लेट आ गई है। नीचे की तरफ एक रिफ्लेक्टर यहाँ पर दे दिया, तो पीछे से पूरा बाइक का जो लुक है ना, एक बार चेकआउट कीजिए, देखिए पीछे से बाइक का ओवरऑल लुक बहुत ही शानदार अब हो चुका है। बाकी फ्रंट में ये है जी इंडिकेटर हैलोजन में, और यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। रियर में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, सिंगल चैनल ABS इस बाइक में दिया जाता है। ऊपर का वेरिएंट एक और आता है इसमें जिसमें डबल डिस्क भी आपको मिल जाते हैं, ड्यूअल चैनल ABS भी मिल जाता है, ये सब चीज़ें। बाकी रियर में हाइड्रोलिक वाले ये स्प्रिंग सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ड्रम ब्रेक का सेटअप जैसे कि मैंने बताया रियर में रहने वाला है। बाकी इधर साइड गार्ड, लेडीज़ फुटरेस्ट और ये रियर फुटरेस्ट, साइड स्टैंड आपको ब्लैक कलर में मिलेगा जो कि पहले क्रोम में आपको दिया जाता था। बाकी इंजन आप देखेंगे तो इंजन की लुकिंग में देखेंगे ना, ये पार्ट ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हो चुका है, पहले इसी तरीके से पूरा मिलता था ऐसे, अब ये पार्ट इस तरीके से कुछ हो जाता है। इंजन में जो चेंजेस किए गए हैं, जे सीरीज़ का इंजन आ गया जो कि वाइब्रेशन कहीं ज़्यादा कम है, पावर पहले के मुकाबले इस बाइक की बढ़ गई, टॉप स्पीड बढ़ चुकी है, और माइलेज भी इस बाइक का अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसका इंतजार रहता है रॉयल इनफील्ड लवर्स को, वो है इस बाइक की साउंड। एक बार साउंड को चेक हम ज़रूर करेंगे, तो ये अभी हो चुकी है स्टार्ट, और एक बार साउंड आप चेक कीजिए। पहला गियर नीचे और बाकी ऊपर की तरफ ही मिलते हैं, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है। अभी गाड़ी न्यूट्रल में आ चुकी है, और एक बार साउंड आपको चेक कराता हूँ। तो अब एक बार साउंड ये तो आइडियल में है, और बाकी एक बार थ्रोटल देके देखते हैं वहाँ पर साउंड किस तरीके की है। तो ये बाइक की साउंड है, बाकी किस तरीके की लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है रॉयल इनफील्ड 350 स्टैंडर्ड बटालियन ब्लैक कलर। बात करूँ प्राइस की, एक्सोरूम प्राइस अभी गाज़ियाबाद के अंदर इस बाइक की कॉस्ट कर रही है 1,73,500 रुपीज़ एक्सोरूम प्राइस ये रहने वाली है गाज़ियाबाद के अंदर। ऑन रोड प्राइस की बात करूँ अराउंड पड़ती है 2,02,000-3,000 के करीब में इस बाइक की प्राइस पड़ती है, जो कि पहले बढ़ चुकी थी, लेकिन अब चेंजेस आने के बाद में इसमें प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है पहले के मुकाबले। पहले प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा हो रही थी, 230-240 तक जा रही थी, लेकिन अब इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और बाकी सभी चीज़ें आपने देखी ही, किस तरीके से पूरी बाइक की लुकिंग जो है वो पहले की तरह यहाँ पर कर दी गई है। माइलेज भी पहले से बढ़ गया है, 35 km/L का अराउंड आपको माइलेज मिल जाता है, यानी कि 35 km/L का माइलेज आपको ये बाइक ईजिली प्रोवाइड करके दे देती है अगर आप अच्छे वे में ड्राइव करते हैं इको मोड में।
बात करें इस बाइक के साथ में आने वाले इंजन के बारे में, तो यहाँ पर सभी को पता ही है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन हमें इसका बाइक के साथ में ऑफर किया जाता है, जो कि हमें देता है अराउंड, पावर पहले कम थी अभी बढ़ चुकी है, आपको पावर इसमें अराउंड मिलती है 20.2 पीएस की और 27 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क ये बाइक इजिली प्रोवाइड कर देती है। पावर फिगर्स पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं, पहले इसमें टॉप स्पीड भी आपको कम देखने के लिए मिलती थी, इनिशियल टॉर्क जो था वो काफ़ी कम था, लेकिन अब इसमें इनिशियल टॉर्क भी बढ़ गया है और इसमें टॉप स्पीड भी अब आपको कमाल की देखने के लिए मिलती है। हैंडलिंग में सुधार किए गए हैं, रियर टायर सेक्शन अब कमाल का हो गया है, यहाँ पर 120x80 का यहाँ पर रियर टायर सेक्शन मिलता है, 18 इंचेस का यहाँ पर आपको रिम देखने के लिए मिलता है, C8 के टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो टायर की प्रोफाइल जो है उसे थोड़ी सी वाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से बैलेंसिंग भी इसकी कमाल की हो गई है। पहले आपको ध्यान होगा काफ़ी ज़्यादा पतला सा इसमें टायर मिलता था, तो अभी वाइड टायर यहाँ पर आ चुका है और बाकी परफॉर्मेंस में सुधार आए हैं, स्टेबिलिटी बढ़ गई है। एज ए राइडर अगर आप देखते हैं ना, तो बाइक बहुत ही ज़्यादा शानदार अब हो गई है। किक तो इसमें अभी वापस नहीं आई है, लेकिन बाकी सभी चीज़ें वापस आ चुकी हैं और किक की बाइक कोई जरूरत भी नहीं है, 350 सीसी की बाइक है। इस सेगमेंट की बाइक को अगर आप राइड करते हैं और वहाँ पर किक की उम्मीद रखते हैं तो वो एक अच्छी बात भी नहीं है। बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो पहले की तरह यहाँ पर हो चुकी हैं और ये थोड़ा सा स्पेस मिलता है इस तरीके से, थोड़े टेक्निकल पार्ट्स हैं और यहीं पर आपको किट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। तो ये कुछ सारी बातें रहती हैं रॉयल इनफील्ड 350 बटालियन ब्लैक स्टैंडर्ड की। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको बाइक को परचेस करना है गाज़ियाबाद या फिर आसपास की, आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप आ सकते हैं रॉयल इनफील्ड गाज़ियाबाद पर और यहां से आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।